आशा है कि विकास, प्रियंका, अमय और चार्ली आर रेडी फॉर देयर इम्यूनिटी टास्क। तैयार होके दोनों ट्राइब्स चंदोक फैक्ट्री आ जाएं। चंदोक फैक्ट्री। सुबह उठते ही पहले ये पता चलता है कि हम चंदोक फैक्ट्री में पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर इम्यूनिटी टास्क होगा। जब मैं लोकेशन के थोड़ा करीब पहुंचा तो कुछ खंडर टाइप की, कुछ बड़े बड़े कंटेनर, बॉयलर, ऐसा कुछ नजर आ रहा था। बर्न डाउन फैक्ट्री थी, पुरानी बिल्डिंग थी, ऊंची ऊंची घास थी, काफी इम्पोजिंग सीन था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था 50-100 साल से वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। बट टास्क क्या होने वाला है, नो आइडिया। व्हाट्स अप रोडीज, व्हाट्स हैपनिंग? पार्टी के बाद कितने बजे सोए तुम लोग? सो गए जल्दी। फुली रेस्टेड? थका तो नहीं है कोई? ऐसे भी अगर तुम में से कुछ लोग थके हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अपने इम्यूनिटी टास्क के लिए जो सिर्फ 4 लोग कर रहे हैं, आप सेटल हो जाइए। ये आप लोगों का पहला इम्यूनिटी टास्क है। इम्यूनिटी का मतलब जानते हैं कि अगर आपने इम्यूनिटी जीत ली तो अगले वोट आउट में आपके खिलाफ कोई वोट नहीं कर सकता। तो अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं और अपनी जगह पक्का करनी चाहते हैं इस बारी के लिए, तो इम्यूनिटी जीतने का ये आपका एक पहला मौका है। राइट, जितना चाहते हो इम्यूनिटी? या कल जब आप लोग जीते और एडवांटेज के लिए जब आपके ट्राइब में से 5 लोगों को जाना था, दे लेफ्ट यू बिहाइंड, उसका कोई भी रीजन आप ढूंढ लीजिए, कोई भी डिस्कशन आपने की होगी, काफी आपने मतलब बोला होगा नहीं नहीं, यू कैन बी एज रीजनेबल एज यू वांट टू, बट आई थिंक आउट ऑफ दिस ट्राइब इफ समबडी नीड्स इम्यूनिटी द मोस्ट इज द 2 ऑफ यू। या यू अंडरस्टैंड दैट? डेफिनेटली। ये आपका अगला इम्यूनिटी टास्क है, सिर्फ 4 लोग करेंगे, विकास वर्सेस अमय, प्रियंका गोइंग अगेंस्ट चार्ली। ऑल राइट, बहुत सिंपल सा टास्क है। आपको मेरे पीछे एक क्रेन दिख रही होगी, क्रेन से लटकता हुआ एक लॉग दिख रहा होगा, लॉग के नीचे एक हुक दिख रहा होगा। आप लोगों को हम हार्नेस करेंगे और उस हुक पे लटका देंगे अपसाइड डाउन। उसके बाद पेंडुलम, पता है किसी को पेंडुलम क्या होता है? जो एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे टंग टंग या पेंडुलम की तरह आपको हिलाया जाएगा। यहाँ पे एक एडवेंचर क्रू होगा जिनके हाथ में एक रस्सी होगी, वो आपको हिलाएंगे। सारी स्पीड चारों टाइम इक्वल होगी, बराबर होंगे, इसीलिए एक न्यूट्रल पार्टी ये करेगा। जब आप पेंडुलम की तरह आप मोशन में चलोगे तो उस साइड वो दो आपको लेडीज दिख रहे हैं, वो बहुत लेट हो रही हैं और उनको कुछ सामान इकट्ठा करना है, लेकिन आप लोग उनकी मदद करोगे, तो आप वो सामान उठाकर उनकी टोकरी में रख दोगे। राइट, ठीक, 2 मिनट का टाइम है, सामान उठा के टोकरी में रखो, जो जितना ज़्यादा सामान आप इकट्ठा करेंगे, जिसने सबसे ज़्यादा इकट्ठा किया वो जीत जाएगा। तो बॉयज़ में आप दोनों में से जिसने ज़्यादा इकट्ठा किया वो जीत जाएगा, और गर्ल्स में प्रियंका और चारी में से जिसने ज़्यादा इकट्ठा किया। ऑब्वियसली बॉयज़ विल गो फर्स्ट, ये मैंने डिसाइड किया, बिकॉज गर्ल्स को एक एडवांटेज मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन ऑब्जर्व कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बॉयज़ में पहले कौन जाएगा वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि कल आप टास्क में जीत रहे, आपकी टीम जीत रही, तो आप बताओ आपको फर्स्ट जाना है, प्रेशर डालना है, कि आपको सेकंड जाना है, देखना है कि क्या होता है और उस हिसाब से परफॉर्म करना है। आई थिंक अमय को फर्स्ट जाना चाहिए। अमय फर्स्ट जाएगा? या क्यों? ऐसे मैं देखना चाहता हूँ। देखना चाहते हो? या और अमय, चारों में से सबसे पहले आप जाएंगे, उसके बाद विकास आपके साथ कम्पीट करेगा। पहले हार्डनेस हो जाइए, उल्टा लटक जाइए और उसके बाद हम टास्क शुरू करेंगे, सिर्फ 2 मिनट का टाइम। अगर इम्यूनिटी मिली तो मिली, लेकिन मुझे टास्क कम्प्लीट करने का, एटलीस्ट ये वोट आउट में मुझे कुछ रिस्क नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ तो कोई है नहीं और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। जब आप उल्टा होते हो अपना सब बॉडी लूज हो जाता है, पूरा आपका प्रेशर दिमाग में जाता है, पूरा दुनिया उल्टी दिखती है, ऐसा लगता है कि अरे आप क्या कर रहे हैं, बंजी जंपिंग जैसा लगता है पूरा। ऑलराइट अमय, या यू हैव 2 मिनट्स,
दो मिनट में आपको सारा जो सामान है जितना आप डाल सकते हैं इनकी टोकरियों में डालना। हाँ। जो भी बाहर जाएगा टोकरियों के वो नहीं गिना जाएगा। ऑलराइट, मेक श्योर कि टोकरी के अंदर ही जाए। ओके। हमें क्या ये क्रैप ये नीचे से उठा के कैसे हम लोग कैसे करेंगे? पेंडुलम पर उल्टा लटकना वहां तक तो ठीक था, पर जैसे ही अमे के सामने केकड़े फेंके 420 वाट का करंट निकल गया। ये नीचे करो, ये मुंह पे आ रहा है। ये मुंह पे आ रहा है मेरे। बाइट इट देन। इतने आंखों के सामने इधर वो इसे कच 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 कर रहे थे। बहुत लिटरली मतलब पूरी तरह से फट गई थी। मेरे को लगा था आज से अच्छे से लगने वाली है। They were moving so scary. कोई आम इंसान उसको देखकर छूने की बात दूर उसके पास भी नहीं जाएगा। You have only 2 minutes. Okay. इनके claws जो है बंदे नहीं हुए, so they can bite also. So be careful. Yes sir. But most of all, अगर आप immunity जीतना चाहते हैं, put as many crabs as you can in these two baskets. Can you see them? The baskets. All right, ready? Yes sir. Your time starts now. Grab as many as possible. बीच में एक क्रैब का बहुत बड़ा हाथ झुंड पड़ा था, उसने उसमें हाथ डाला, ऐसा पकड़ा, उस साले ने मेरे को काटा तो मेरी फट गई। इतना डर गई थी, मेरी चीख ही नहीं रुक रही थी, मुझे समझ आ रहा था मैं कैसे करूंगी। एक उसके हाथ में उसको इतना टाइटली पकड़ लिया था, मतलब वो देख सकते थे हमें हाथ ऐसे ऐसे झाड़ रहा था, बट वो बिल्कुल उसको कस के पकड़ लिया था। शाबाश, शाबाश। पिक देम अप, डोंट बी स्कैर्ड। मुझे याद है जब माँ बोलती थी कि केकड़ा खाने को सीख जाएगा, माँ कहते माँ तू मेरे को तोड़ के दे मैं खाता हूँ। एटलीस्ट तभी सीखता था कैसे पकड़ने का, तो आज ये हालत नहीं होता था मेरा। सर टफेस्ट आ गया, टफेस्ट। उस बंदे ने कुछ नहीं देखा नीचे क्या है, केकड़े वेकड़े क्या है, उसने सीधा मतलब केकड़े उठा रहा है बाहर फेंक रहा है, केकड़े उठा रहा है बाहर फेंक रहा है। वर्स्ट पार्ट वॉज कि अगर आपके हाथ में क्रैब आ भी जाता है, आप उल्टा स्विंग इस तरह कर रहे हो कि बास्केट में डालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। छोटा छोटा वाला पकड़, वही वाला, हाँ पकड़ 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 ना। इसके बाद अमेया ज़्यादा हाथ नहीं मार पाया केकड़ों को, हालांकि उसने कोशिश बहुत अच्छी की, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। 5 seconds left. 4, 3, 2, 1, stop. एक थ्रो मारा जो काफी पास से गुजरा, but ultimately there was no score. वो एक भी क्रैब बास्केट में नहीं डाल पाया। It's very difficult. अगर मैं हाथ डाल के सबको उठा के एक साथ फेंक देता था, तो एटलीस्ट एक ना एक तो उस बादले में जाता ही जाता था। मुझे ये तो बड़े ने छोटे ने काटा, छोटे ने छोटा अगर ये हाल करता तो बड़ा तो मेरा उंगली तोड़ देता था। हमें के हाथ में घुस गया, मुझे नहीं घुसाना, मुझे ढंग से उठाना है। ढंग से उठाओ क्रैब को, कम से कम एक क्रैब सही जगह पे
सही बकेट में डालना है। दर्द होता है? बोल दे कितने पड़े मेरे हाथ में। पहले बोलना दर्द, दर्द होता है? वो इतना जोर से पकड़ते हैं इंजेक्शन निकल सकते हैं। एक मिनट क्या होता है, पकड़ता है ना वो निकलता नहीं है। हम लोग इतने डर गए थे यार, शिट काट लिया जोर से, क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो साथ में उल्टा लटका है बिल्कुल, तो ना वो सब बहुत डर गए थे भाई। उनकी फटी गई वहाँ पे खड़े होके, दे वाले बॉस ये नहीं हो सकता। थोड़ा सा डर लग रहा है पर मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी जान लगाने की। मैं चाहता हूँ कि पहली इम्यूनिटी रोडी 7 की मैं जीतूँ, कुछ भी हो जाए। ये इतना जो उड़ रहा है ना विकास, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए मेंटल तुम लोग को बहुत स्ट्रेंथ रहना पड़ता है कि नहीं भाई हम लोग को हाथ डाल के वो करना है करना है करना। ऑलराइट विकास, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पेंडुलम पे जैसे उन्होंने झूलना स्टार्ट किया और उसने उल्टा होकर देखा कि केकड़े पड़े नीचे, तो भाई साहब के हाथ कांप रहे हैं। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? मैं केकड़े से काफी डरता हूँ। मैं एक्चुअली देख रहा था कि कहीं वो मेरी उंगली नहीं काट दे। बंदा जब टास्क करता है जोर से करता है, मुझे लगा शायद कर लेगा, तब तक पता लग नहीं आता कि उसकी इतनी हवा खराब होती है क्रैब से। देख कोने वाला पकड़ ले, कोने वाला। हाँ वो पकड़ा है। आगे आगे आगे। यारा पकड़ ले। हाथ तो बाहर है फुट से यार। आगे 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 आगे। क्या कर रहा है यार? जहाँ पे इतने सारे क्रैब हैं वहाँ पे हाथ मारना विकास। विकास बहुत। वो हाथ डालने की एक्टिंग कर रहा था, मगर उसका था ही कि मैं करूँगा नहीं। मैं जैसे केकड़े को हाथ लगाता, मेरा दिमाग कहता अरे विकास हाथ खींच, हाथ लगाता खींच, हाथ लगाता खींच। हाथ मेरा साथ दे रहा था पर मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा। विकास रोडीज में क्यों आए हो? जीतने के लिए। चल फिर जीत, चल डाल हाथ डालना फिर डरता कहीं को। 30 सेकंड बचे विकास, 30 सेकंड लेफ्ट। तो बेटा क्या पकड़, जीतने के लिए तो हाथ डाल डाल। विकास चल कर पागल। अरे हाथ तो डाल फट्टो। एक पकड़ ले भाई। ट्राई कर उठा दे। हमने उसको काफी एनकरेज भी किया तभी ये कर पाया, तो उसको ताने आने लगे फट्टू फट्टू। अरे यार थ्री, अरे फट्टू। 2-1 स्टॉप। उस बंदे ने एक केकड़ा एक क्रैब उठाने की कोशिश तक नहीं की, छूने की कोशिश की पर हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों। जब विकास अपने टास्क से वापस आया तो उसे टास्क से पहले हुआ था कि वो मैं चाहता हूं कि पहली इम्यूनिटी रोडी 7 के मैच कुछ भी हो जाए। टाजन की औलाद केकड़े से डर गया। आई लाइक इट बिग डिसअपॉइंटमेंट। बस मैं ये सोच के जा रही हूँ जो भी है मरूंगी नहीं उसे टच करने के लिए, तो आई जस्ट क्लोज माय आईज उठा के बस फेंक दूंगी। टिल द टाइम शी वाज बीइंग हार्नेस्ड, जब उसके लग रहे थे जब उसको उल्टा कर रहे थे, शी वाज स्माइलिंग एंड आई थॉट शी वुड जस्ट क्रैक इट। इतना बड़ा क्रैब पंजे यूं करके खड़ा है और उसको देख रहा है पूरा यूं करके। हां आ जा नीचे आ जा। देखो देखो देखो। All right, Charlie. The time starts now. Come on, Charlie. जब उसको उल्टा लटका के उसके ऊपर पेंडुलम की तरह लटकाया गया, तो उसके बाद सिर्फ एक ही चीज थी, स्क्रीमिंग स्क्रीमिंग स्क्रीमिंग। अब वो चिल्लाना स्टार्ट है पूरा और क्रैब यूं कर रहा है खड़ा। उसने क्रैब्स के ऊपर एक झलक भी नहीं दी अपनी आंखों की टच करने की, जो दूर की बात थी। ऐसा लगा मेरे को, लगा मेरा एक पैर छूट गया, तो फिर मेरे को लगा मैं इनके ऊपर गिर जाऊंगी अभी, तो बस मैं गई। मेरा पांव छूट रहा है। अरे नहीं छूट रहा है वो, छूट गया यार। अरे एक पांव वाला। 45 सेकंड्स लेफ्ट चार्ली। चल चल चल।
एक कनाट को शायद हाथ लगाया, उसने उसको काटने की कोशिश करी, दैट्स इट। उसका वहीं जितना भी उसका करेज मस्टर किया था कि मैं एक को हाथ लगाती हूँ, वहीं खत्म हो गया। इस परफॉर्मेंस को देख के मुझे लगा कि शायद कुछ लोग अभी भी हैं रोडीज में जो रोडी कहलाने के लायक नहीं है। ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा, कैसे किसी एक को हाथ लगाने लगते हैं वैसे ही हो जाते, एकदम ऐसे लगता है फेस पे लग जाएगा। दिस इज नॉट इजी। किसी की हिम्मत भी नहीं हुई उसको छूने की, सबकी फट रही है ना इतनी। देखिए खुश रहो कि यार एटलीस्ट मुझ में गट्स है उनमें हाथ डालने का, उनको पकड़ने का। अभी देखते हैं प्रियंका लास्ट बची है क्या करती है, देखते हैं। मेरा प्लान ये है कि टू कैच एज मेनी एज क्रैब्स आई कैन एंड जस्ट चक इट टुवर्ड्स द बास्केट एंड नॉट गेट अ मेंटल ब्लॉकेज टुवर्ड्स द क्रैब्स। यहां पे भी प्रियंका काफी सहमी हुई थी पर वो कुछ बोल नहीं रही थी ज्यादा। एक भी उठा लिया तो हम लोग हार जाएंगे क्योंकि बॉयज का स्कोर ऑलरेडी टाइड है और करना भी सिर्फ एक ही, शी डजंट इवन हैव टू हैव अ वेरी हाई बार। एक उठा के डाल दो भाई गेम खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जब वो झूला झूलना चालू हो गया थोड़ा सा एंग्शियसनेस हुआ था, आई वाज रियली ईगर टू परफॉर्म एंड थ्रो द क्रैब्स इनटू द बास्केट। एम लगाना बहुत मुश्किल था तो जो उसने पैर थ्रो मारा इधर उधर चला गया, बट वहीं से पता लग गया कि ये शी इज नॉट गोइंग टू गिव अप। वो अपना पूरा दो मिनट स्विंग करते हुए हर बार कोई ना कोई क्रैब उठाई देगी। ऐसे ऐसे करके फेंक रही थी, क्रैब की बारिश हो रही थी उस वक्त जब प्रियंका वाज डूइंग हिज टास्क। उस लड़की में इतनी दिलेरी है कि उसने कुछ नहीं सोचा, उसने हाथ मारे और क्रैब्स फेंकना शुरू किया। बहुत रेयर मैंने ऐसी ब्रेव लड़कियां देखी हैं। प्रियंका इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट गर्ल आई हैव सीन इन माय लाइफ। 50 सेकंड्स लेफ्ट, कम ऑन प्रियंका। हर इंसान को एक बार दर्शन करवा दिए थे उन्होंने कि क्रैब ऐसा होता है, उसके आगे ऐसे गिरता था, कोई डायरेक्शन नहीं छोड़ी उसने जिस तरफ क्रैब ना गए। पहले उसका हाथ कट गया था, किसी क्रैब ने उसका काट लिया था। शी डिडंट गिव अप। यूजुअली लड़कियां खून से घबरा जाती हैं लेकिन वो फिर भी नहीं घबराई, शी केप्ट ऑन डूइंग। 3 2 1 स्टॉप। इतना अच्छे तरीके से टास्क किया, मतलब जिस तरह से उस लड़की ने किया, मतलब खुद को लग रहा था कि यार क्या बेवकूफ हूँ मैं, वो कर सकती है तो मैंने क्यों नहीं किया। I couldn't figure out where the two women were standing with the basket. That was the only problem. Thank God the task was for 2 minutes. If it would have been 3 minutes, it would have been more difficult. कैसा लगा आप लोगों का आपका पहला immunity task? Very scary. Happy. क्या मजा आया तुम लोगों को तालियां बजाने में? बड़ा मजा आया। अमय,
आप सबसे पहले गए, आपको काफी क्रैब्स ने काटा। बहुत कैसा लगा आपको टास्क? जजमेंट करने को बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि तुम लोग बहुत उसके नहीं नहीं विकास और चार्ली को बिल्कुल जजमेंट करने में डिफिकल्टी नहीं हुई थी। आप लोगों ने आसान चीजें एक्सपेक्ट किया यहाँ पे कि सेटअप्स कर लो, शाओलिन क्रंचेस कर लो और फिर ऐसे पूरा रोडी सेवन खत्म हो जाएगा। जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है उसको अभी एक अच्छा बिजनेस क्लास का टिकट कटवा के वापस घर भेज देते हैं। चार्ली क्या हुआ, यू डिसअपॉइंट विद योर परफॉर्मेंस? देयर वाज नो परफॉर्मेंस, यू शुड हैव एट लीस्ट ट्राइड। या वेरी स्केरी, वो लग रहा था एकदम फेस पे लग जाएंगे। विकास व्हाट हैपेंड विद यू? एक्चुअली हाथ जा रहा था पर दिमाग कह रहा था कि हाथ को पीछे ले ले। दिमाग और हाथ का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेकार था, बहुत बेकार। खुद से इतना मतलब ऐसा लगता था कि लाना था मेरे ऊपर, मतलब पहली बार टास्क मिला कुछ अपने आप को बचाने का, कर नहीं पाया। प्रियंका कैसा लगा टास्क? सुपर, मजा आए। आपको कुछ कट्स लगे? लुक एट देम, आर यू फीलिंग नाइस दैट यू हैव दोस कट्स? विकास कैसा लगा आपको उसका परफॉर्मेंस देखकर? 10 कदम आगे है लड़की में। फिजिकली शायद आपके जितने सेटअप ना कर पाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। चाली व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा किया उसने। आप लोगों के लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन शाम रेडी कर रखी थी जिसमें आपको काफ़ी सारे क्रैब्स खाने को मिलते, लेकिन ऑब्वियसली आपने कुछ भी नहीं डाला टोकरी में, ये भी भूखे रहेंगे। आप लोग अपने अपने करिश्मा से बैठिए, राइड सेफ, वापस होटल पे जाइए। आई विल सी यू गाइस एट द होटल। उस टाइम काफी टेंशन में आ गए थे यार, ना बताया है कौन इम्यून हुआ है कौन नहीं हुआ है। चार्ली के लिए आज का इम्यूनिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कुछ लोग मतलब जो जेन्युइन लोग हैं मुझे लगा था कि वो परफॉर्मेंस ध्यान देंगे, और चार्ली ने अगर आज कुछ परफॉर्म नहीं किया क्योंकि वो हम लोग के ट्राइब में है तो वो लोग उनको निकाल देंगे। हम सोच रहे थे कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट इसमें नहीं जीता है तो इसका क्या नतीजा हो सकता है, शायद चारों इम्यून नहीं होंगे, या फिर हो सकता है कि उन दो को इम्यूनिटी मिल जाए जो दो कम से कम इतने काबिल थे, कम से कम इतनी कोशिश कर सके कि उन्होंने क्रैब्स को हाथ लगाया, उन्हें फेंकना चाहा। अभी जब होटल आ गए तो हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन था हम किसको ऑर्डर करें। आरती एंड चार्ली सपोजिटली हैव एन इशू विद द वे आई टॉक टू गर्ल्स, दे थिंक आई एम इंडिसेंट। वो एक नंबर का ना उस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, ही इज जस्ट लर्न करने के लिए यहां पर पॉलिटिक्स एंड जस्ट इन जस्ट हियर फॉर फ्लर्टिंग। आई पर्सनली मतलब कोई और जाए, कोई और सेफ हो, अनसेफ हो, कुछ भी हो, आई एम गोइंग टू वोट आउट बिकॉज़ आई वांट हिम टू बी आउट। भारती डिसाइडेड, चार्ली डिसाइडेड दैट दे वांट टू वोट आउट अनवर, दे वांटेड माय सपोर्ट। And I was like, I'll be very happy to give him support, yeah. If you want me to vote out Anwar, as it is, I was not bonding so well with Anwar. Girls targeted me is because Bharti and Charlie don't like me. So when Charlie and Bharti ne bola ke we should vote Anwar out, to she was like, ठीक है, उसके दोस्त हैं तो she will support them. मैंने पता लगाने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, क्या reason है, who's the brains behind it. जहाँ तक मुझे लग रहा था मेघना इसके पीछे थी। मुझे रीज़न समझ नहीं आया क्या हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात से बड़ा गुस्सा आया कि हाउ डेयर शी स्टार्ट प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। इट इज नॉट मी, व्हाई आर यू थिंकिंग इट्स मी? आई डोंट नो हु द हैज कम, बिकॉज़ आई थिंक यू आर द स्मार्टेस्ट इन द थ्री। दैट इज द ऑब्वियस कंक्लूजन। यू आर मेकिंग अ रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट माय हूएवर बी इट, द फैक्ट इज वन ऑफ यू रेज्ड माय पॉइंट। ओके, अनवर थिंक्स दैट आई हैव प्लॉटेड अगेंस्ट हिम, दैट्स व्हाई ही जस्ट You know, targeting me. Yeah, but hum kyun ek dusre ko kar rahe hain? I don't want to vote against you. If you tell me, I vote against third person play. Jason ke mujhe aisa laga ki yaar kis type ki ladki hai ye ki abhi tak jis friend group ke saath baith ke tum mujhe nikalne wale ho, jaise hi tum pe bhari padi tumne apne dost ko bahar nikalne ki baat kar di. She took six names that she can get to vote against her. She said there is no reason for me or her or performers to go to the first round. And I was like shocked. मैं क्या यार मेघना मुझे निकालने की planning कर रही है? Charlie baby relax. Dude, I'm confused. Relax man. It's okay, no. It became even more easy मेरे को convince करना कि यार you really don't want such a girl in your group जो अपने ही best friend को निकाल सकती है बाहर. Just look at her यार. हम लोग तीनों एक room में रह रहे हैं. I understand. इतने कहाँ से गुजर गए? I'll tell about her. No, what is she? उसकी पक जाएगी, वोटे से मैं अभी भी मुझ चुप रख रही हूँ। You're on television, shut up. उसने
अपना फेस दिखा दिया वो क्या कर रही है, वो बस वो फ्रेंडशिप उसके साथ नाम की थी, आई कांट ट्रस्ट एनी। आई एम सॉरी यार, वो तो तेरी अच्छी फ्रेंड है, बट सी दिस थिंग वोंट वर्क यार, ठीक है? तुम लोगों ने बोला है मुंह पे बोलो, मेरे को अनवर से प्रॉब्लम थी, मैंने उसके मुंह पे उससे ठीक से बात नहीं की। मैंने ऐसा नहीं होता यार कि तुम्हें पहले तुम फ्रेंडशिप बना कर रखो और पीठ पीछे कुछ और ही प्लान करो। सम मिसअंडरस्टैंडिंग विच वॉज क्रिएटेड बाई समवन। तुम किसके अगेंस्ट कर रही हो ये तो बताओ। सी जो मेघना ने मेरे साथ किया आई फील, मतलब जो मुझे लग रहा है आई वोट अगेंस्ट आफ्टर दैट आई विल सी, बट मेरा अभी तक मेघना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ आज के वोट आउट को लेके, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा है अनवर को वोट आउट करें, मेघना को वोट आउट करें या किसको वोट आउट करें, बिल्कुल भी समझ में नहीं। रोडी सेवन डेडली सिंस वन वाइल्ड सफारी पे पहला वोट आउट। वेलकम, कैसा लग रहा है आप लोगों को? टेंशन टेंशन टेंशन। अच्छा आप लोगों ने अपने नाम रख दिए ट्राइब्स के? जी हाँ। जो ग्रीन ट्राइब था उनका नाम क्या है? ग्रीन मांबा। ग्रीन मांबा, नाइस। और आप लोगों का नाम क्या है? रेड इंडियंस। ओके, तो अब से मैं आप लोगों को ग्रीन मांबा और रेड इंडियंस बोलूंगा। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस सो फार। आप लोगों ने सबने अपने आप को प्रूव किया और रोडीज बने। 14 लोग से आपके पहले डेस्टिनेशन में सफर शुरू हुआ, जिसमें से एक अपने आप ही घर चले गई, निशा राणा। भगा दिया आपने उसको? नहीं नहीं, रोकने की कोशिश की थी। क्यों, बहुत प्यार था? नहीं प्यार नहीं था, बट उसको जरूरत थी एक सपोर्ट की, वो सपोर्ट उसको नहीं। फॉर एनी पर्सनल रीजंस ऑफ अस, अगर उनको घर जाना था, हम किसी को जबरदस्ती यहाँ पे नहीं रोक सकते, ना ही रोकना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। व्हाई नॉट गिव समबडी एल्स अ चांस। उसके लिए पार्टी में मैंने आपसे कुछ वोट्स दिए थे, लेकिन वो जब टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक मनी टास्क हुआ और वो भी 1,00,000 रुपए का, राइट, जो रेड इंडियंस ने जीत लिया। पहला टास्क, इट वॉज नॉट ईजी टास्क, मतलब दिमाग भी लगाना था और स्ट्रेंथ भी यूज करना था और एज अ टीम आप लोगों को परफॉर्म करना था। एंड यू गाइस डिड रियली वेल, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हराया इन लोगों को। 1,00,000 रुपए जीतने के बाद, और वो भी इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से, कोई लालच की वजह ही होगी जो आप लोगों ने आगे एक एडवांटेज चाहा, राइट, जिसकी वजह से जो 2 लोगों का पीछे छोड़ के गए थे, सिर्फ वो 2 लोग आज एक इम्यूनिटी टास्क कर पाए। आप लोगों ने विकास और प्रियंका को पीछे छोड़ा, इन लोगों ने चार्ली और अमय को चूज किया। आपके हाथ कैसे अमय? अभी थोड़े थोड़े कम हो गए जलने के। थोड़ा कम जल रहा है? या कट्स हैं अभी भी? या ये कट्स है, वो मुझे रिमाइंड करे कि मैं रोडी में हूँ। आई थिंक विदाउट एनी डाउट मैं ये कह सकता हूँ कि प्रियंका का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था। किसी और को कोई शक? नहीं। कंग्रेचुलेशंस प्रियंका, यू वन एवरीबॉडीज रिस्पेक्ट बट नो इम्यूनिटी। तो रोडी 7 के पहले वोट आउट में किसी के पास भी इम्यूनिटी नहीं है। 2 ट्राइब्स हैं, ग्रीन मांबा और रेड इंडियंस, इनमें से कोई भी वापस घर जा सकता है। आप लोगों को पता है वोट आउट में क्या करना होता है? वोट आउट अनोनिमस है, मतलब जिसके खिलाफ आप वोट करेंगे वो और आपके अलावा और किसी भी रोडी को नहीं पता होगा। विल स्टार्ट विद अमृत। बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेल रहा है, गंद मचा रहा है। लगता है जो मेरा नंबर है, फिर भी कोशिश करूं। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि एक ट्राइब में 7 लोग हैं और एक ट्राइब में 6? नोटिस किया? जी। आपके ट्राइब में 6 लोग हैं और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इट वॉज नॉट डिजाइंड लाइक दिस बाय अस। कोई एलिमिनेशन नहीं था, कोई वोट आउट नहीं था, कोई टास्क में हार के नहीं गई निशा। तो इट्स ओनली फेयर कि आप लोगों के 7 वोट में से 1 वोट निकाल दिया जाए, राइट? किसका वोट होगा वो? दैट डिपेंड ऑन लक। मैं जाके वहाँ पे जो वोट्स हैं उनको थोड़ा शफल कर दूंगा और प्रियंका, हु इज वन एवरीबडीज रिस्पेक्ट टुडे, टास्क करने के बाद आप आइए, 1 वोट निकालिए और उसको वहीं पर मुझे दे देना, ठीक है? वंस यू डू दैट, विल कीप दैट वोट असाइड। दैट वोंट, जिसका भी हो सकता है आप 7ों में से, वोंट बी काउंटेड बिकॉज इनके ट्राइब में सिर्फ 6 लोग हैं। फेयर एनफ? या फेयर।
इट ये आप लोगों के वोट से और ये एक वो वोट है जो प्रियंका ने खींचा था जो आपके ट्राइब में से काउंट नहीं होगा ऑलराइट कौन कौन अपने खिलाफ वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं चार्ली विकास अनवर मेघना अनवर बाय रीजन यही होगा कि मिसकम्युनिकेशन हो गया था और बस यही है विकास ग्रुप टास्क में तो अच्छा परफॉर्म किया था पर जब इम्यूनिटी की बात आई तो एकदम थोड़ा वीक रहा परफॉर्मेंस सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी ने क्रिएट की और फंस गई किसी और की वजह से आपको लगता है आप फंस गई हैं और आपके खिलाफ वोट होंगे ऑलराइट एक्सपेक्ट करना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अनएक्सपेक्टेड रोडीज में होता है गौरव गौरव आपके खिलाफ पहला वोट आपने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया फीलिंग गुड अबाउट इट फीलिंग पॉपुलर वन वोट फॉर यू ग्रुप एजन चालू हुआ था तो वही सॉल्व करने के चक्कर में आई माइट हैव फॉलन प्रे टू अ वोट अगला वोट है विकास आपके खिलाफ यू ओके विद इट तीन के एक्सपेक्ट किए कम से कम तीन एक्सपेक्ट किए तीन एक्सपेक्ट अगला वोट गौरव आपने एक भी एक्सपेक्ट नहीं किया तो दो गए जितना आप अपने आप को पॉपुलर नहीं समझते उससे ज्यादा पॉपुलर है विकास कितने होंगे आपके दो गिन रहे हो आपके कितने होंगे टू लेट्स मेक इट थ्री गौरव तीन आपने एक भी नहीं एक्सपेक्ट किया था तो मैं दोबारा पूछूंगा तो बड़ा रेपिटेटिव हो जाएगा लेकिन तीन आने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि कुछ इट्स नॉट लाइक वन और टू इट्स थ्री किसी और को अचंबा हो रहा है कि गौरव के खिलाफ वोट आए अगला वोट विकास अगला वोट गौरव गिल चार वोट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को पता होता है कि कितने पानी में है कितने नहीं आपको पता ही नहीं था कि आपके खिलाफ वोट आएंगे और चार आ गए इनको देखो इनको पता है इनके खिलाफ तीन आने लेकिन नहीं विकास चार वोट अब नाक पे आ गया पानी नाक पे आ गया फोर ऑल जाहिर सी बात है प्लान बन चुका है कई लोगों का कई लोगों को विकास से प्रॉब्लम है और कई लोगों को गौरव से आप दोनों आ गए आप दोनों के खिलाफ चार चार वोट आ चुके हैं कुछ रीज़न हो सकते हैं इसके आपका तो है परफॉर्म नहीं किया आपका अभी तक से रीज़न मुझे ढंग से पता नहीं लगा अब जब चार आएंगे तो बताइए दो ट्राइंग टू सेव माई टीम क्या हुआ विकास तुम्हारी आंखें नहीं नहीं मैं ठीक हूँ पिलपिला रही हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं आपको लग रहा है आपको एक एक किसी इंसान ने धोखा दे दिया कि आपने तीन गिने थे यस किससे लग रहा है धोखा मिला आपको हो सकता है रेड इंडियन से कोई हो देख सकते हैं अपने ट्राइब पे शक तीन से ऊपर हो गया तो शक थोड़ा यकीन में बदल गया इधर छह लोग हैं यार उन पे शक नहीं कर रहे हो अपनों पे करना शुरू कर दिया तुमने वाह वेरी गुड द वे दिस इज गोइंग आई कैन सी दैट फोर फोर मतलब छः छः वोट आए दोनों साइड से ऐसे होगा टाई हो जाएगा फिर क्या करेंगे द वे दिस इज गोइंग आई कैन सी दैट फोर फोर मतलब छः छः वोट आए दोनों साइड से ऐसे होगा टाई हो जाएगा फिर क्या करेंगे इससे पहले कि मैं इन वोट्स पे जाऊं लेट्स जस्ट चेक कि ये वोट क्या कहता है गौरव गिल बट गुड फॉर यू इट्स नॉट गोइंग टू बी काउंटेड नेक्स्ट गौरव गिल कितने होंगे फाइव गौरव गिल सिक्स गौरव गौरव सेवन एट डाउटेड विकास छूटते ही लव यू गाइस उससे पहले क्या बोल रहे थे तुम मुझे डर लग रहा था कि कोई एक जना मेरा वोट आउट करेगा सच्चाई तो ये थी कि मेरे जो बॉम्बे ऑडिशन जो लोग सिलेक्ट हुए थे तुमसे बात ही नहीं करता था एनीवेज चार लोगों में तुमसे प्रॉब्लम है वो तुम खुद ढूंढ लेना अभी जाके वापस रोडीज को ज्वाइन कर लो अपनी जगह ले लो ही मस्ट हैव वोटेड अगेंस्ट हिम फॉर श्योर गौरव आठ वोट
ग्रीन मामे में कितने लोग हैं? 12 minus 6, 6. 6 तो मैं समझ सकता हूँ, 8 में तो कुछ गड़बड़ है. तुम जिस ट्राइब को बचा रहे थे उस ट्राइब में से कुछ लोगों ने शायद तुम्हारे अगेंस्ट वोट किया, शायद नहीं पक्का, बिकॉज मैथ्स है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हैपेंड? हमारी पूरी रेड ट्राइब ने बैठ के पहले बात की कि मेघना एंड गैंग की तरफ से क्या हो रहा है, अनवर एंड गैंग की तरफ से क्या हो रहा है. मैं गौरव के पास गई, मैं कहा गौरव किसके अगेंस्ट वोट करना है. मैं कहा अगर वो इम्यून हो जाता है, वो इम्यून हो जाता है तो मैं तो हम किसको वोट करेंगे. मतलब प्लॉटिंग ऐसी गंदी करते हैं ना, और उसको ये नहीं पता कि जितना वो स्मार्ट बनने की कोशिश करता है ना उतना साथ में जो बंदे बैठते हैं ना बात होती है. सारी उसकी पोल पट्टी वहीं खुल गई थी कि वो इतना बड़ा प्लानर है ना, हद नहीं. यार मुझे बोला अनवर वोट आउट, तेरे सर की कसम मुझे बोला अनवर वोट आउट. ये गौरव चीज इतनी आगे आ गई थी, इतनी आगे आ गई थी, मतलब इतनी उसने गंद मचा के रखी थी that we finally thought that Gil should be out. Hard luck, first of all. कुछ बोलना चाहते हैं उनको? कुछ नहीं यार, best of luck, have a safe and enjoyable journey, और task ज़्यादा करना बस rather than politics. Did you taste a bit of greed? No. No? Do you want to be on the show? Obviously. That's greed. Because you've been voted out. Anyways, it was nice having you here. यार ये गेम ऐसी है कि कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारे दोस्त नहीं है. At one point, everyone has to leave. गौरव का जाना इस टाइम स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट था. वो बंदा ये सोचता है मैं सेफ हो जाऊँ, बाकी सबको आपस में लड़ने दूँ, मैं आराम से साइड में बैठ के तमाशा देखूँ. Probably Meghna has a very good game plan, which they'll face in future. वो जिस पे भी उंगली रखेगी वो बंदा बाहर हो जाएगा. My trust with Charlie is this. I'm suffering because of him, but thank God my people supported me. They understood me and I'm here right now. I still can't believe ke they are expecting ke wo banda is sabke piche tha. It'll still take time to sink in, but planning definitely thi iske piche. Parodies was like jaan for me. It came before everything, it even came before my studies, my life. So nikal ke jaan nikal gayi tha. We'll miss the journey. गौरव के रहने से आपका ग्रीन मामा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था, फिजिकली विजिबली. आई डोंट नो उससे कितना फर्क पड़ेगा, आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? जाने से तो फर्क जरूर पड़ेगा. एनीवेज आई हैव आल्सो सम गुड न्यूज़ फॉर यू. कल आप लोगों ने पार्टी में कुछ वोट्स डाले थे ऐसी लड़कियों के लिए जिनके साथ आपने काफ़ी राइड किया था, और वेलकम एंड जॉइन द ग्रीन मामा. एनी गेसेस? रंजना, one vote. It's actually Priyanka who got one vote also. Aratrika got 4, Mannat got 5, but Shweta got 2. So Mannat's coming back. Welcome to Roadies. You're not a rider anymore, you're a roadie. Congratulations. यहाँ पे roadies दो tribes में बढ़ चुके हैं. वो जो red bandanas के साथ हैं उनका नाम है red Indians, और जो green bandana के साथ हैं उनका है green mamba. नाम के हिसाब से तो मुझे पता आप किसी को भी नहीं join करना चाहोगे, लेकिन because you've taken Nisha Rana's place, वो green mamba से था, and that's the tribe that you belong to. Go join them. साढ़े चार बज गए, जितना रेस्ट ले सकते ले लीजिए. टुमारो यू गाइस आर गोइंग टू बी राइडिंग एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी.
ओके लेसन लर्न्ड डोंट बी ग्रीडी ऑलराइट गुड नाइट टेक सम रेस्ट वाओ आई एम रियली एक्साइटेड निशा थी तो हम लोगों को लगता था हमेशा कि इसको संभालना पड़ेगा या तो कैरी और वेट मन्नत के साथ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लड़की है वो कैन एट लीस्ट परफॉर्म टास्क वेल मन्नत के आने से कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला